नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस बॉलीवुड सितारे की जिसका नाम आजकल बहुत चर्चा में है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है, जिनका जन्म 14 मार्च 1965 में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। आमिर खान पहली बार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। 11 साल बाद आमिर खान का करियर 1984 की फिल्म होली से शुरू हुआ। 1988 में आमिर खान की मूवी कयामत से कयामत तक आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस मूवी के लिए आमिर खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और साथ ही इस मूवी को भी फिल्म फेयर ने साल की बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया। 1990 में आमिर खान की दिल मूवी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। ये मूवी साल 1990 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने टोटल 10 करोड़ की कमाई करी थी। 1992 में आमिर खान की जो जीता वही सिकंदर लोगों को, खासकर यूथ को, काफ़ी पसंद आई। इस फिल्म को फिल्मफेयर बेस्ट मूवी के अवार्ड से भी सराहा गया। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी फेमस हुए, जो कि आज भी लोगों की जुबान पर है। वर्ष 1993 में आमिर खान की हम है राही प्यार के आई, जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का बिजनेस करा और साथ ही उस साल का फिल्मफेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता। इस फिल्म का मुझसे मोहब्बत का इजहार करती सॉन्ग काफ़ी चर्चा में रहा। फिर अगले ही साल इंडियन ऑडियंस को पहली बार आमिर और सलमान की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखी। 1994 की मूवी अंदाज अपना अपना बॉक्स ऑफिस पर तो ठंडी रही, पर इस मूवी को आज भी 10 बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज़ में चुना जाता है। उसके बाद 1995 की रंगीला मूवी में आमिर खान का मुन्ना नाम का कैरेक्टर लोगों को काफ़ी पसंद आया। इस मूवी में आमिर खान के साथ जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर थी। इस मूवी के गानों और सभी एक्टर्स की शानदार एक्टिंग की बदौलत इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली। उसके अगले साल ही 1996 में आमिर खान को अपनी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी मिली, राजा हिंदुस्तानी। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और वर्ष 1996 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया। ये फिल्म 43 करोड़ कमाने के साथ ही 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म को उस साल की फिल्मफेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, साथ ही साथ आमिर को भी फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के सभी गाने और स्टोरी लोगों को खूब भाई। इसके बाद आमिर खान इश्क, गुलाम, सरफरोश, मन और मेला जैसी कई मूवीज़ में दिखे, पर आमिर को अभी भी किसी ऐसी मूवी की तलाश थी जो उनको एक पहचान दिलाए। तभी आमिर खान को लगान मूवी का ऑफर आया, जिसमें उन्हें एक देहाती लड़की की भूमिका निभानी थी। ये मूवी वर्ष 2001 में रिलीज़ हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ कमाने के साथ ही हिट साबित हुई। हर किसी ने इस फिल्म में आमिर और सहयोगी कलाकारों की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ करी, यहाँ तक कि आमिर खान खुद लगान की अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस में कंसीडर करते हैं। इस मूवी को वर्ष 2001 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया था। मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद लगान भारत की तीसरी फिल्म थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। लगान को 2001 की बेस्ट फिल्म फेयर मूवी से नवाजा गया और आमिर ने एक बार फिर से फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। लगान के बाद आमिर खान की दिल चाहता है मूवी आई, जिसमें अक्षय खन्ना और सैफ अली खान भी नजर आए। ये मूवी 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की दोस्ती को दिखाती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर न्यूट्रल परफॉर्म किया। 2001 के बाद आमिर खान सीधे 4 साल बाद 2005 में पैट्रियोटिक मूवी मंगल पांडे के साथ बड़े पर्दे पर वापस लौटे, पर इस मूवी ने आमिर खान का साथ नहीं दिया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके अगले साल ही 2006 में आमिर खान फिर पैट्रियोटिक मूवी रंग दे बसंती में नजर आए। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई और लोगों को भी ये मूवी काफ़ी पसंद आई। इस मूवी की स्टोरी को देखते हुए इसे वर्ष 2006 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया। ये मूवी ऑस्कर तो नहीं, पर फिल्मफेयर की बेस्ट मूवी का अवार्ड जीतने में सफल रही। 2006 में आमिर की एक और मूवी आई, फना। इस मूवी को भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनाया। 2007 में आमिर ने पहली बार डायरेक्टर के रूप में मूवी बनाई तारे ज़मीन पर, जिसमें वह खुद एक महत्वपूर्ण किरदार में मौजूद थे। ये मूवी अधिकतर हर स्कूल में स्टूडेंट्स को दिखाई गई। इस मूवी को उस साल की बेस्ट फिल्म फेयर मूवी का अवार्ड तो मिला ही, साथ ही ये मूवी आमिर की तीसरी फिल्म थी जिसे भारत की ओर से एक बार फिर ऑस्कर के लिए भेजा गया। इस मूवी में 10 साल के दस्तीर सफारी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करी थी। अगले ही साल 2008 में आमिर खान तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगादोस की फिल्म गजनी में नज़र आए। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। आमिर का हेयर स्टाइल और बॉडी लोगों को काफ़ी पसंद आई। गजनी मूवी भारत की पहली फिल्म थी जिसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करा। इस मूवी ने 114 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी और बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बन गई, पर यह रिकॉर्ड ज़्यादा समय तक नहीं रहा। अगले ही साल 2009 में आमिर खान 3 इडियट्स लेकर आए, जहाँ उन्होंने एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया। उस समय आमिर की एज 44 ईयर्स थी, पर उनके लुक से ये पता नहीं लग रहा था कि उनकी एज 44 ईयर्स की है। जब इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर खान को अप्रोच किया, तब आमिर काफ़ी मस्कुलर शेप में थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने गजनी करी थी।
राजकुमार हिरानी ने आमिर खान से कहा कि एक कॉलेज स्टूडेंट इतनी मस्कुलर सिम में कुछ जमेगा नहीं। तब आमिर खान ने आइडिया दिया कि मैं इस मूवी में ढीले कपड़े पहनूंगा जिससे मैं ज़्यादा मस्कुलर नहीं लगूंगा, इसलिए आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। इस मूवी ने भारतीय सिनेमा के 90 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस मूवी ने 202 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली थी। थ्री इडियट्स पहली भारतीय मूवी थी जिसने भारत में 200 करोड़ का बिजनेस करा। यह रिकॉर्ड भी आमिर की मूवी के पास है। इस मूवी को उस वर्ष फिल्म फेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। इसके बाद आमिर धोबी घाट और तलाश जैसी मूवी में दिखे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज परफॉर्म किया। 2013 में आमिर धूम 3 में विलन के किरदार में दिखे। इस फिल्म की पहले से ही काफ़ी हाइप बना दी जिस कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ कमा डाले और बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धूम 3 की स्टोरी में दम नहीं था पर धूम सीरीज इतनी फेमस थी कि आमिर की एंट्री के बाद इसको बहुत हाइप मिल गई। इसके बाद आमिर 2014 में पीके मूवी में दिखे। इस मूवी पर बैन लगने के बाद भी इस मूवी ने 337 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। पीके भारत की पहली फिल्म थी जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करा। इसके बाद आमिर खान 2 साल बाद 2016 में दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में दिखे। इस मूवी के लिए आमिर खान ने ज़बरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। आमिर खान ने बहुत लगन और मेहनत से इस मूवी को बनाया जिसका परिणाम यह हुआ कि यह मूवी वर्ष 2016 की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करे। पूरे विश्व में दंगल ने 2000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी। आमिर की एक्टिंग और फिल्म की स्टोरी लोगों को काफ़ी पसंद आई। दंगल को फिल्म फेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड तो आमिर को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद आमिर ने 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार में एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। सीक्रेट सुपरस्टार ने भारत में 63 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड इसका टोटल कलेक्शन 750 करोड़ के करीब था। इसके बाद 2018 में आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान आई। इस मूवी का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 51 करोड़ रहा और ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ के करीब रहा। 150 करोड़ कमाने के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई क्योंकि इस मूवी का बजट 300 करोड़ के करीब था। 2018 के बाद इसी साल 2022 में करीब 4 साल बाद आमिर की मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हुई। ये मूवी 1994 की हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। 180 करोड़ के हाई बजट वाली लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर केवल अभी तक 50 करोड़ के करीब ही कमाई कर पाई है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फ्लॉप कंसिडर कर दी गई है। लाल सिंह चड्ढा को मिक्स्ड रिव्यू मिलने के बावजूद भी इस मूवी का अच्छे से बॉयकॉट किया गया। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिट गई? यदि आप इस विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था आमिर खान का 33 सालों का बॉलीवुड करियर है। ये वीडियो देखकर क्या आपको लगता है कि आमिर खान बॉलीवुड के बेस्ट खान हैं? तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी और शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।